हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ केस ग्रेन टेलीस्कोप यूजेस टू मिरर एज शोन इन फिगर। सच अ टेलीस्कोप इज बिल्ट विद द मिरर 20 mm अपार्ट। इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लार्ज मिरर इज 220 mm एंड द स्मॉल मिरर इज 140 mm, वेयर द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी बी। तो आपके पास एक केस ग्रेन टेलीस्कोप है जिसके अंदर जो मिरर चूज हुए ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी मिरर, उनके बीच का सेपरेशन आपको गिवन है, दैट इज 20 mm। एंड आपके पास एक ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, तो उसकी इमेज फाइनल कहां बनेगी ये आपको बताना है। क्लियर? सो एक बात देखते हैं कि अगर पहले लेट सपोज कि ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो लाइट इस तरीके से आ रही है, एंड जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो उसकी इमेज कहां बनती है? फोकस पर बनती है। सो अगर मैं फोकस की बात करूं, फोकल लेंथ की बात करता हूं, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिस विल बी इक्वल टू आर बाई टू, दैट इज 220 by 2, तो ये हो जाएगा 110 mm। एंड फोकल लेंथ बात करते हैं सेकेंडरी मिरर की, तो ये हो जाएगा r by 2, दैट इज 140 by 2, एट मीन्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 mm। क्लियर? नाउ अगर ये 140, ये 110 mm पर है, तो देखो लाइट रे से इंफ्रारेड से आई तो कहां पे कन्वर्ज करेंगे, दे विल कन्वर्ज एट फोकल लेंथ और फोकस। तो दैट मींस यहां से आएगा आपके पास कि अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूं इस तरीके से, तो ये यहां पर कहीं आपके आके मिल रही होंगी लाइक दिस। क्लियर? सो दिस विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वीओ मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नाउ इनके बीच का सेपरेशन कितना है, दैट इज 20 mm, एंड ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 110 mm। सो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है किसके लिए, सेकेंडरी मिरर के लिए, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको यहां से मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 mm, मिरर के पीछे हो गया अब डिस्टेंस ये। ठीक है? सो इसका मतलब ये है कि यू विल बी 90 mm पॉजिटिव का होगा। वी हमें निकालना है, एंड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, पॉजिटिव, दैट इज 70 mm। सो यूज करते हैं यहां पर मिरर फॉर्मूला, तो देखो क्या मिलेगा, that is 1 by v plus 1 by u, this will be equal to 1 by f, that means यहां से आ जाएगा 1 by v, this will be equal to 1 by f minus 1 by u, so 1 by v, this will be equal to, f की वैल्यू है 70 and u की वैल्यू है 90, LCM कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 630, so यहां से आएगा कितना, that is 9, यहां से आएगा 7, and this is 1 by v, so that means you will get, v will be equal to, that is 630 by 2, that is 315 mm, कहां से, from secondary mirror। clear? 315 mm from secondary mirror। तो यहां बनेगी आपकी final image अगर आपका object कहां पर है, infinity पर है। clear? so I hope you understand the question well, thank you so much।